हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। एक दिवसीय मॉनसून सत्र का ज्ञान भवन में किया गया आयोजन, गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन को किया गया सैनिटाइज। एक दिन के सत्र पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा एक दिन का सत्र महज एक खानापूर्ति। और श्रावण माह की आखिरी सोमवारी पर शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब, की गई विश्व में सुख शांति की स्थापना की मंगल कामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। एक दिवसीय मॉनसून सत्र का आयोजन राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया गया है, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कोरोना को देखते हुए ज्ञान भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया है। बना रहा है सर, अभी लिस्ट नहीं आया है कि कौन किसका किया है। आपको लगता है मीडिया वाला पंडाल वो? गाड़ी उड़ी फोर अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलने वाला बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र महज एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सत्र को छोटा करने का फैसला लिया गया है। एक दिन के अंदर ही सत्र की सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। वही एक दिन के मॉनसून सत्र पर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एक दिन का सत्र महज एक खानापूर्ति है। विधानसभा का एक दिन का सत्र सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है? एक दिन तो रस्म अदायगी में ही समय निकल जाएगा। सभी माननीयों का टेस्ट होना है, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाना है। सरकार पहले से ही डर गई थी नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के द्वारा, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो सवालों के बौछार सरकार पर होने वाले थे, इससे पहले से ही भागी हुई है। मुकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में श्रावण माह की आखिरी सोमवारी को शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इलाके के तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धा, आस्था और विश्वास की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में लोगों ने शिवलिंग पर आस्था का जलाभिषेक किया और विश्व में सुख शांति की स्थापना की मंगल कामना भी की। रक्षाबंधन को लेकर सासाराम में उत्साह देखा गया। सुबह से ही खासकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर सुंदर सुंदर राखियां बांधी और अपने भाइयों का मुंह मीठा कराया। भाई बहन के आपसी प्रेम का यह त्योहार सदियों से मनाया जाता रहा है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती है, तो वही भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन भी देते हैं। अररिया के महलगांव ओपी थाना क्षेत्र के जोकीहाट महलगांव पीडब्ल्यूडी मार्ग पर किशनपुर गांव के निकट गैस लदे ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद विलंब से पहुंची महलगांव पुलिस और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी शुरू हो गई। लोगों की भारी भीड़ ने पुलिस टीम को खदेड़ दिया और महलगांव थाना अध्यक्ष सदानंद साह का सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीनकर मारपीट भी किया। आज एक्सीडेंट कर गया था, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और वो जो ट्रक था वो एलपीजी गैस सिलेंडर लेके जा रहा था, उसी में थाना अध्यक्ष वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे थे। लोग एकाएक आक्रोशित हो गए, एम्बुलेंस भी था जो सरकारी एम्बुलेंस को भी तोड़फोड़ कर दिए और थाना की गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दिए। थाना अध्यक्ष को स्थानीय कुछ लोगों ने बचाया भी और लोगों को रोकने का कोशिश किया। वो स्थानीय एक डीलर था, थाना प्रभारी के साथ भी धक्का मुक्की भी किया गया और उनका सर्विस रिवॉल्वर भी छीना गया था। हालांकि पुलिस दबिश के बाद उसको बरामद कर लिया गया, मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। गया जिले के मोहनपुर बाराचट्टी विधानसभा में हालात ये है कि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो कोई भी एक जगह से दूसरे जगह आया जा नहीं सकता। वहीं स्थानीय जनता की परेशानी को देखते हुए सिंधुवार पंचायत और बुमुआर पंचायत में सड़क पर मोरम भरने का काम भारतीय पंचायत पार्टी के द्वारा किया गया है। ये ग्रामीण जनता के सहयोग से भारतीय पंचायत पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा जी।
और इस कुछ दिन पहले इसके प्रदेश अध्यक्ष बलवान शर्मा जी आए थे तो रोडों की हालत बहुत ख़राब तो देखते हुए मतलब कि और भारतीय पंचायत पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास ये सूचना गया तो उनके आदेशानुसार ये काम करवाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी अगर किसी महिला को डिलीवरी होना है अगर उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो रास्ते में डिलीवरी हो जाता है उसके बाद में हॉस्पिटल में बाद में पहुँचा जाता है। ये हालत यहाँ की रोडों की और आप देख भी चुके हैं चल करके कि क्या स्थिति है। यहाँ के सांसद हो विधायक हो उनका सिर्फ ठगी है, विकास के नाम पर ठगी है और कोई काम नहीं है। और अब चुनाव आ गए हैं तो बहुत सारी जुमलेबाजियाँ भी शुरू हो जाएगा और आना भी शुरू कर दिए हैं। कठिनाई होती है और इसके मेरे भारतीय पंचायत पार्टी के जिला सचिव कहें या जिला अध्यक्ष कहें जिला के सचिव के भारतीय पंचायत पार्टी की तरफ से गांव की सहयोग से अभी फिलहाल मरम्मत की कार्य भारतीय पंचायत पार्टी की ओर से हो रही है और आगे भी संभवतः होने का आशा दे रहा है। कोबरा बटालियन ने 12वें स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों के आयोजन कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किए गए। स्थापना दिवस के मौके पर 205 कोबरा बटालियन के कमांडेंट दिलीप कुमार श्रीवास्तव और नीतू श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। मोतिहारी के चकिया में एक मामूली से विवाद को हवा देकर कुछ शरारती तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को पुलिस ने विफल कर दिया। लोगों ने पथराव किया और लाठी डंडे से लैस जान लेने पर उतारू भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन पुलिस की सख्ती से सब कुछ नियंत्रित हो गया। मौके पर कई चकिया थाने की पुलिस के साथ SP नवीन चंद्र झा भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। को है कुमन राय जो बाहर रहते हैं वो बेचारा आया था गया है रास्ता में कीचड़ में साइड लेने में बस एक रिक्शा वाले से विवाद हो गया है। बात विचार साइड लो उतना ही में लोग बात विचार हो गया और उसके बाद में वो रिक्शा वाला चला गया ई अपना चकिया चले गए। ठीक उसके जो है कि एक घंटे के बाद 200 आदमी हम अंदर से मेरा घर यही है अंदर से हम इन्वर्टर जुड़वा रहे थे जब देखे कि 200 आदमी लाठी फरसा गनाता लेके इस गांव में घुस गया। उनका घर उधर है। किनका घर? जो कुमन राय थे जिससे जो झगड़ावा हुआ था साइड लेने के लिए उनके घर लोग पहुंच गया गाली गुत्ता देते हुए ताले कुछ दो चार पांच जो बुजुर्ग लोग उनको समझा कर उन लोगों को साइड किया लेकिन साइड पर भी वो लोग नहीं माना। पूरे हुजूम 5 गांव 7 गांव का था। पहले यहाँ पे एक ऑटो चालक और एक साइकिल सवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद ये बात दो संप्रदायों के बीच तनाव के रूप में परिवर्तित हो गई। ही साथ थे सर हमको लेकर और ये उसके बाद कुछ पत्थर वगैरह चला और यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी नियंत्रित हुई। जब यहाँ पे SDPO SDO और सभी आसपास के थाने पहुँचे यहाँ के भी थाने पहुँच गए थे उसके बाद मैं भी यहाँ पर बल के साथ पहुँचा हूँ और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इसके संबंध में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और अगर किसी ने कोई शरारत की है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और जेल। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महापर्व रक्षाबंधन है। इस मौके पर मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रक्षाबंधन की धूम रही। हर तरफ रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बहनों ने भाई की कलाई में प्रेम के पवित्र रिश्ते की प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा और आरती उतारी। वही भाई बहन ने एक दूजे को मिठाई खिला इस पर्व का जश्न मनाया।
सुशांत दिशा सुसाइड प्रकरण को लेकर बिहार बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोपियों को बचाने का बड़ा सियासी वार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मुकामा में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की सच्चाई पर पर्दा डालने की कवायद कर रही है। देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस भी सुशांत दिशा मामले की सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती है। सुसाइड केस नहीं बल्कि मर्डर केस कहा जा सकता है और उसको बचाने वाले जो भी सरकार है महाराष्ट्र का, वो शिवसेना के राजकुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके एक्स मैनेजर का मर्डर का या सुसाइड का जांच सही दिशा में हो जाए तो महाराष्ट्र सरकार का जाना तय हो जाएगा उसी दिन। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार जांच की दिशा को बदलने का कोशिश कर रहा है और उसमें उसका सहभागी कांग्रेस भी बना हुआ है। कांग्रेस से मैं अपील करूँगा कि देश की भावना के साथ कांग्रेस आए, नहीं तो कब्र में जाने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाए। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के चंद्रायण रेफरल अस्पताल की जर्जर भवन और चरमराई स्वास्थ्य सेवा को लेकर अस्पताल परिसर में ही NSUI कमेटी के कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल बचाओ आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। NSUI कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। यही है कि रेफरल अस्पताल की चालू करने के लिए मांग है और यहाँ पे डॉक्टर की बहाल हो, जो 24 डॉक्टर की नियुक्ति किया गया है और 30 बेड का सीट का व्यवस्था किया जाए। धरना पे बैठे हुए हैं और इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जो चंद्रायन रेफरल अस्पताल 1995 में बना था, यह अस्पताल अपने स्थापना काल से अभी तक बदहाली है स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे मात्र एक बेड है और तजुर्बे की बात है कि तकरीबन 1.5 लाख आबादी जो कोसी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है उनकी यह लाइफ लाइन के रूप में खुला था, लेकिन आज ये 1.5 लाख आबादी भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। इसलिए इस अस्पताल की पुनर्निर्माण हो और अस्पताल में तमाम तरह की समस्या यहाँ पे तमाम तरह की सुविधा हो और तमाम समस्याओं की निजात के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।